took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove. Today we are going for adventure in river. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. So today we are going for adventure to the upstream. And आज हम वहाँ तक जाके देखेंगे वैसा वहाँ से कैसा नजारा दिखता है. तो कम माइक कैमरा मैन. हाँ बहुत ठंडा पानी है. आज हमने रिस्क ले लिया है जूते समेत. आज हम देहरादून के बियर व्हील्स होंगे. क्या साफ पानी है सर. गजब गजब. यहाँ तो गहरा भी है. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Rock, flat rock. ये यहाँ कैसे आई होगी? सोचनी है, विचारनी है. सोचिए, कब तक हम आगे चलते हैं? पानी बहुत साफ है. इतना साफ पानी मई जून में या जुलाई में तो नहीं मिलने वाला. इतनी लोगों की भीड़ ज़्यादा हो जाएगी. और यहाँ पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा है. यहाँ पर हमें थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा. साइड सीन कर लेते हैं. शिमोना, शिमोना लिखा हुआ है. शिमोना गौरव. Sun comes up, I cut them all loose and works my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, अब हम बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए इस वाटर सोर्स की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत अच्छा व्यू है लोगों का. बहुत अच्छा बन रहा है रिवर का. बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी कलकल करते हुए बह रहा है. बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है. मतलब पानी का शोर सुनिए और अपने मन को शांत करें. Very beautiful. हम सभी को enjoy करना चाहिए life में. प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए तभी मन को शांति मिलती है. चलो सर, चलो चलो. Let's go. Right. जैसा कि आप हमें बता रहे थे यहाँ पर कांच आ गए हैं. इसी कारण से हमने अपने जूते नहीं निकाले. You are absolutely right. अब हमें यहाँ से कट मारना चाहिए. वहाँ भी टूटे हुए कांच हैं. तो मैं ध्यान रखूँगा आप हमारे कैमरा मैन है तो मेरे पीछे. आप इस दीव ने सेहत को हमेशा ध्यान रखूँगा मैं. मेरे पीछे आप इसको कैप्चर कर सकते हैं. बहुत अच्छा नज़ारा है. आई वॉन्ट टू गो देयर. गो यहाँ पे सर. थोड़ा काई भी है ध्यान से. चट्टानों पर काई जमी पड़ी है. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है.
देखिए एक फोटोग्राफर कैसे एक बेहतरीन फोटो की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। दोस्तों ये देखिए नदी का अद्भुत नज़ारा, वाकई में बहुत सुंदर है ये। ये एक बड़ा सा पत्थर है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और नदी को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सुंदर। थोड़ा सा और पास जाते हैं। येलो कलर फ्लावर्स, तो आज हमने अलग अलग नज़ारे कैप्चर किए हैं और उनमें से ये भी एक बेहतरीन नज़ारा है। इधर से आ जाओ। अरे कुछ गहरा नहीं है, ठीक है आओ। अब जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने का ढूंढेंगे हम इस जंगल में। शिकार करते हैं। ये हमारी आज तक की सबसे लंबी मॉर्निंग वॉक है और यहाँ आकर के आप देखें तो यहाँ तक लोग आए हुए हैं। यहाँ आप सब्जियों के प्याज के छिलके और टेम्परेरी चूल्हे देख सकते हैं। यहाँ पर खाना बनाते हैं लोग, गंदगी फैला के भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं करें, कूड़ा ना फैलाएं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अगर हम इसको साफ सुथरा रखेंगे तो ऑब्वियसली सभी लोग यहाँ आने को एक्साइटेड रहेंगे और आगे और भी अच्छा नज़ारा होता जा रहा है। सो वी आर हेडिंग अपस्ट्रीम्स, बहाव के विपरीत दिशा में बढ़ते हुए एक भावी एचएम। इतना काम करने के बाद शांति की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम अपस्ट्रीम आते आते हमने बहुत अच्छे नज़ारे कैप्चर भी करे हैं और एंजॉय भी करा है। शायद ऐसा नज़ारा बाकियों ने ना देखा हो देहरादून में रहते हुए, हमने देख लिया सर। तो किसको थैंक यू बोलें? संडे को थैंक यू बोल। ये देखिए इधर से भी नदी का एक बढ़िया व्यू आ रहा है। पत्थर, हरा हरा पानी, बिल्कुल साफ पानी है। मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि ये हमारे सर है ना। ये ऐसा बोले कि आप डंडा ले लो हाथ में क्योंकि यहाँ तेंदुआ निकला सकता है। तेंदुए का डर बढ़ गया। भरोसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर तेंदुए आम बात है। मैं तो चाह रहा था आगे जाऊँ लेकिन अब डरा दिया आपने, क्या करें। अब डंडा भी नहीं दिख रहा, तोड़ लें एक। हाँ तोड़ते हैं, चलो चलो एक डंडा तोड़ते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन ये जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सुनसान है और कोई इंसान यहाँ दिखाई नहीं दे रहा सर के अलावा जो मुझे बचा सके।
आप जो है एक डंडे का इंतजाम करा जाए। तो दोस्तों हमारे हथियारों के दर्शन कर लीजिए, ये हमारे दो हथियार जो हमें आगे के रास्ते के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और ये सर की मेहरबानी है, उन्होंने हमें याद दिला दिया टाइम से कि दो डंडे तो हमें रखने चाहिए। तो ये हमारे हथियार हैं आगे के सफ़र में। दोस्तों मैं आज आपको ना दो नज़ारे दिखाऊंगा, एक तो जो प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ आकर के सब प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है, जब यहाँ पर लोग इंजॉय करने आते हैं तो अपने पीछे ये छोड़ जाते हैं निशानियाँ अपनी। ये सबसे गंदा तरीका है यहाँ इंजॉयमेंट करने का, असभ्य लोग ऐसा ना करें। दिस इज़ बैड, वेरी बैड। जब हम ऐसा देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ज़रूर। देखिए प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं जिसका हम पूर्ण रूप से आनंद उठा सकते हैं, लेकिन हम अपने कुछ बुरे कर्मों की वजह से इस प्रकृति को दूषित करते जा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि यदि आप जहाँ भी घूमने जाते हैं और आपको लगता है कि आपकी वजह से कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो कृपया उसको सही जगह ही डिस्पोज करें ताकि हमारी प्रकृति सुंदर बनी रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, जो आपने ये भारी सा डंडा बनाया है इसका आप निपटान कैसे करेंगे? आपने ये मजाक मजाक में इतना भारी तोड़ लिया, जानवर दूर से सोचेगा कि जाऊं कि ना जाऊं हमला करने, हैं? इतना भारी डंडा है, इसको आप उठा के देखो, बाकी तो एक में और तेंदुए की तो एक में ही जान निकल जानी है, बहुत भारी। तो डंडा में भारी जान मिला, देखिए वैसे तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर हम इसको कुदरत के हवाले भी छोड़ जाएंगे तो इसको ये गला देगी, अपने अंदर मिला लेगी। इसलिए हमने अपने इस हथियार को चुना इस प्रकार से है, और ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे फिलहाल इस आप देखें इस वीराने जंगल में हमारे हथियार के लिए काम कर रहा है, हमारे सुरक्षा का बच्चा है, कहीं से कोई जानवर अगर आ गया तो ये हमें बचाने में मदद करे। चलो, और यदि उसे हमारी गंध आ गई तो निश्चय रूप से पास पहुंच जाएगा और हम चलना चाहिए। ये मेरा डंडा है, मैंने इतनी प्रोटेक्शन कि भाई कोई आ भी गया तो मैं सर को बुला लूँगा, अभी के लिए टेम्परेरी इतना ही सही है, पतला सा। लेकिन सर का तो पता नहीं सर ने कैसे दिमाग बड़ा ओए शाबाश। पानी की क्लैरिटी देखिए आप, 2 फीट 1.5 फीट गहरा पानी है और बजरियाँ साफ दिख रही हैं। बहुत सुंदर नेचुरल स्विमिंग पूल बोल सकते हैं इसको, बाथिंग टब जैसा बना रखा है, बाथ टब। सो अब हम वापस जा रहे हैं आज की रिवर एडवेंचर को ख़त्म करके। और सर जो हैं, हमने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना लंबा चले जाएंगे, हम तो बस इतना करने आते हैं कि मॉर्निंग वॉक अपना थोड़ा टहले, रिवर पर बैठे। आपकी बार हमने अपने जूतों को भी एडवेंचर करने का मौका दिया है पानी के अंदर से, नहीं तो अमूमन हम जूते निकाल के ही जाते हैं। और ये इस वजह से क्योंकि यहाँ जैसे लोग कूड़ा फैलाते हैं, बोतलें कांच की पड़ी रहती हैं, कांच टूटा पड़ा रहता है पैरों में ना चुभे, उसके लिए हमने ये प्रिकॉशन लिया था। अब सर आपके डंडे को डिस्पोज करने की बारी आ गई है, आपके डंडे ने बड़ा ही साथ दिया आपका, अब इसको यहीं गाड़ के जाएंगे किसी और दूसरे राहगीर के लिए मददगार साबित होगा। अब यहाँ आकर के ये संगम बनाती है ये नदी, ये देखिए इधर से आ रहा है पानी दूसरी साइड से, और जिससे हम रिवर से आए हैं, और यहाँ आकर के संगम बन गया, ये बन गया संगम। ये आज के एडवेंचर की निशानी झंडा गाड़ दो इसमें। थैंक यू दोस्त, आज आपने हमारा आखिर तक साथ दिया, अब आप किसी और के लिए साथ देने का मेरा भी गाड़ दो, मेरा तो आराम से आ जाएगा।
मैं इतना सोच ही नहीं रहा था, सर के दिमाग में पता नहीं कौन सा जानवर भारी भर का। देखो सर, डंडा भले ही पतला हो लेकिन गड़ नहीं रहा है ना, मानते होगे मेरी चॉइस को। चलो रुक गया। ये हमारे राठी साहब अपने जूतों को धोते हुए, आज बहुत दिनों बाद इनको फुर्सत मिली है जूते धोने की, तो इन्होंने सोचा कि चलो आज घूमने आए हैं यहाँ, वहीं पर ही अपने जूतों को धोने का ये अच्छे प्रयास कर रहे हैं और जूतों को चमकाने की कोशिश भी हो रही है। देखिए जूते चमक रहे हैं धीरे धीरे, ये नेचुरल वे से धो रहे हैं, नेचुरल वे इसका।